खंड विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह के गौरवपूर्ण अवसर पर अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश शिक्षा जगत की प्रेरणा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजत भूरा जी, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री संतोष कुमार अग्रवाल जी, माननीय सांसद भारत सरकार, महात्मा ज्योतिबा फुले वेलफेयर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित संकाय अध्यक्षगण, विभागाध्यक्षगण, शिक्षक वृंद, मीडिया जगत के सजग प्रतिनिधिगण, अभिभावकगण, स्वर्ण पदक विजेतागण एवं प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं जिन्होंने भी स्वर्ण पदक प्राप्त करके कीर्तिमान स्थापित किया है उन सभी छात्र छात्राओं को हृदय की गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब ये सिलसिला चल रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि शायद इस विश्वविद्यालय में छात्राएं ही पढ़ती हैं, छात्र का नंबर बहुत भाग्य है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से एक महान समाज सुधारक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र का नाम जुड़ा है। प्राचीन पांचाल क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग जो अब रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है, अपनी विशिष्ट गौरवशाली परंपराओं एवं उपलब्धियों के कारण इसका एक विशिष्ट स्थान भी है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज की एक सशक्त नारी एवं शिक्षिका के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। आज के इस अवसर पर मैंने उन्हें हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम करता हूं। बरेली की इस पावन भूमि में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की अनेक विशेषताएं सुरक्षित है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आजादी तक इस क्षेत्र की अनेक विभूतियों ने अपने बहुमूल्य योगदान दिया। उन सभी महानुभावों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को का पूर्ण स्मरण करते हुए मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। किसी भी देश की प्रगति तथा उपलब्धियों उस देश के नागरिकों के शैक्षिक स्तर, शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता तथा स्वच्छता, सामाजिक उन्नति से आती जाती है। विश्व के अनेक देश शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को अपनी सामाजिक नीतियों में उच्च प्राथमिकता के प्रदान करने के परिणाम स्वरूप आज विश्व के विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। हमारे शैक्षिक संस्थाओं का लक्ष्य और प्रयास यही होना चाहिए कि कार्य कुशल होने के साथ साथ अध्ययनरत रहे विद्यार्थी श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात कर एक सजग नागरिक बने। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से उच्च शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव विद्यार्थियों के हित में किए गए हैं। इसमें मल्टी एंट्री एग्जिट पॉलिसी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वोकेशनल स्टडी पर फोकस, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था आदि मुख्य प्रावधान है, जिससे भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा के माध्यम से ही पूरी दुनिया को सिखाता रहा है और ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति रहा है, जिस कारण इसे विश्वगुरु भी कहा जाता था। नई शिक्षा नीति
हमें उसी स्तर तक पुनर्स्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति शिक्षा को संस्कार से, शिक्षा को आधुनिक तकनीक से और शिक्षा को रोजगार से भी जोड़ेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव व नवाचार पर वर्तमान केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। नई शिक्षा नीति में 70% पाठ्यक्रम ऐसा है जो केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित है, शेष 30% स्तर से प्रदेश स्तर से तय किया जाएगा और किया गया है। इस 30% पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शिक्षकों की है। स्नातक से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा में एक रूपता होनी चाहिए। महिला शिक्षा व सशक्तिकरण, युवा शक्ति को एकत्र करने को दृष्टिगत करते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक गणित, हिंदी, पर्यावरण, विज्ञान, इतिहास आदि का चरणवार पाठ्यक्रम तैयार हुआ है। हमारी वर्तमान प्रदेश में योगी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए काम कर रही है। शिक्षा में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद का गठन कर नए शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी योजना इस वर्ष में राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु अधिक से अधिक प्रोजेक्ट धनराशि उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश में बेहतर शोध का माहौल बन सके। बेहतर शोध नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा, तभी हम वैश्विक चुनौतियों का सामना करने वाली पीढ़ियों को तैयार कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति इस में सहायक होगी। विज्ञान व शिक्षा में नवीनता, तकनीकी शिक्षा पर जोर तो दिया जा रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता व मूलभूत शिक्षा से नहीं भटकना पड़े यह ध्यान भी दिया जा रहा है। बौद्धिक विकास के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण जरूरी है। इस विश्वविद्यालय का बीज वाक्य है चरैवती चरैवती। चाहे सुंदर कुलगीत हो या विश्वविद्यालय का झंडा मोनोग्राम हो या विश्वविद्यालय की सड़क, सब जगह पर यह बीज वाक्य चरैवती चरैवती परिलक्षित होता है, क्योंकि एतदेव उपनिषद में कहा गया है, उठकर कमर कसकर चल पड़ने वाले पुरुष को ही मधु मिलता है। निरंतर चलता हुआ ही स्वादिष्ट फलों का आनंद प्राप्त करता है। सूर्य को देखो, सतत चलते हैं, क्षण भर विश्राम नहीं करते। इसलिए जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को चाहिए कि बाधाओं से संघर्ष करता हुआ चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। इस समारोह की अटल स्मृतियां सदैव विद्यार्थियों को ओजस्वी व तेजस्वी बना सके, यही मेरा विश्वास है। हमें आज एक और सौभाग्य है कि हमें जिन कुलाधिपति जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, उन्होंने उच्च शिक्षा के स्तर को एक उत्तर प्रदेश में नए आयाम दिए हैं। विश्वविद्यालय AA+ की श्रेणी के रैंक को प्राप्त कर रहे हैं और बहुत से विश्वविद्यालय A+ और AA+ पाने के बहाने में खड़े हैं। हम आज इस मंच के माध्यम से उनका भी हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके कुशल निर्देशन में और शिक्षा के उन्नति को दर को समझते हुए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए पूरा प्रदेश भी उनका आभारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुलपति से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि से दीक्षांत भाषण देने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। मैं इस दीक्षांत समारोह के
मुख्य अतिथि